أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear viewers मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर वाफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपने जो उनसे रमज़ानुल मुबारक के अमूर में मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी के अल्फाज अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने हैं वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो व्यूवर्स, बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक 2022 की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए ये महीना बरकतों, रहमतों और खुशियों से भरपूर गुजारने और इसके अलावा अपने इस बाबरकत महीने में खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसके साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूवर्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स, उन पाकिस्तानियों जो के बरूने मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अहम है और इसके अलावा हर पाकिस्तानी के लिए भी अहम है ताकि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं जी। फास्ट कहते हैं रोज़े को, कीप फास्ट कहते हैं रोज़ा रखने को, ब्रेक फास्ट कहते हैं, ब्रेक फास्ट रोज़ा तोड़ने को कहते हैं जी। ब्रेक फास्ट, ब्रेक फास्ट एक लफ्ज़ है, एक ब्रेक फास्ट है। रोज़ा तोड़ना ब्रेक का मतलब होता है, तोड़ना फास्ट का मतलब होता है रोज़ा। व्यूवर्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप नेक्स्ट एमसीक्यूज़ भी आप कह सकते हैं और नेक्स्ट वोकेबलरी के अल्फाज को प्रेयर, नमाज से भी कहते हैं प्रेयर को। गिव चैरिटी, खैरात देना। लिविंग फूड, रिज़्क को कहते हैं। लाफुल हलाल, लेफुल भी कहा जाता है जी। साइनर, गुनाहगार को कहते हैं। सिनलेस, बेगुनाह को कहते हैं। इनोसेंट, मासूम को कहते हैं। चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है पकीज़ा, नेक आप कह सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, अनलेफुल हराम, लेजिटिमेट जायज, हलाल भी कह सकते हैं। अनलेजिटिमेट नाजायज़, हराम। साइन, गुनाहगार, जुर्म भी आप कह सकते हैं जी। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपके वोकेबलरी के अल्फाज में इजाफा हुआ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी प्रेस कीजिएगा। बीस्ट, मिन्नतें करना। बिगिंग, भीख मांगना। प्रे, दुआ करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप देख सकते हैं, एमसीक्यूज़ और वोकेबलरी का वर्ड ये आप देख सकते हैं जी। गिव एलमस, ज़कात देना। गिव डोल, खैरात देना। ट्विग, मसावाक। क्विंच, थ्रेस्ट, प्यास बुझाना। क्विंच का मतलब होता है जी बुझाना, प्यास, थ्रेस्ट। एब्यूजिंग, गालियां देना। अनोयंग, हसद करना, जलना, जलना। प्रेयर रग, जानमाज। प्रेयर मेट, जानमाज को कहते हैं जी। नेक्स्ट व्यूवर्स, एक अहम बात बताता चलूं, नाइन्थ से लेकर एमए इंग्लिश तक, आईएसएसबी से लेकर पीपीएससी तक ऑनलाइन क्लासेस का मैंने आगाज़ किया है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि ये मेरे मज़ीद चार चैनल्स हैं जो कि इंफॉर्मेटिव हैं। काइंडली आप लोगों ने लाजमी इन चैनल्स को, चैनल्स के नेम को यूट्यूब सर्च बार पर सर्च करना है और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो काइंडली मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुझे फुल सपोर्ट करेंगे ताकि आप भी इस सदक़े जारिये के इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, नेक्स्ट आप देख सकते हैं जी वोकेबलरी का वर्ल्ड। मंथ ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी का महीना। बैक बीटिंग, गिबत करना, चुगली करना। व्यूवर्स, किसी के ख़िलाफ़ बात करना ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ इस वीडियो का एमसीक्यूज़ या वोकेबलरी का वर्ड ये आप देख सकते हैं जी। ग्रोटिंग, कीना करना, जलना। फाइटिंग, झगड़ा करना।
स्वेरिंग कस्मे खाना नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी इस वीडियो का, ये आप देख सकते हैं जी। स्किप प्रेयर नमाज कजा करना, वॉइड एब्ल्यूशन वजू का टूटना, वॉइड पोल्यूशन किसे कहते हैं जी, वजू का टूटना। वॉइड का मतलब होता है जी टूटना, एब्ल्यूशन वजू, क्योंकि वजू मैं आपको बताता चलूँ, विजू वजू और वजू एक जेर से शुरू होता है, एक जबर से, एक पेश से, ये अलग चीज़ें हैं। इतकाफ, इतकाफ को कहते हैं मंथ ऑफ ब्लीसिंग रहमतों का महीना, मंथ ऑफ फॉरगिवनेस मगफरत का महीना, मंथ ऑफ वराशिप्स अबादों का, अबादतों का महीना, निजात का महीना भी आप कह सकते हैं जी। व्यूबर्स रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है, इस बाबरकत महीने में मुझे, मेरे वालदैन को और उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा, और इस महीने में ख़ास तौर पर अपनी कश्मीरी भाइयों को और इसके अलावा फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आज़ादी की दुआ लाजमी कीजिएगा। व्यूबर्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी दुआ की करेंगे। नेक्स्ट, प्रोस्ट्रेट सजदा करना, प्रोस्ट्रेशन सजदा, एब्ल्यूशन वजू। तो व्यूबर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, रीड द रोसरी तस्बीह पढ़ना, रीड द बीड्स तस्बीह पढ़ना। तो व्यूबर्स ये सेम ही अल्फाज हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि अल्फाज चेंज हैं वोकैबुलरी के। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अल्फाज आपको अच्छे लगे, अगर अच्छे लगे तो लाजमी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। रिसाइट तलावत करना, रिसाइटेशन तलावत, फॉरबिडन मकरू बोर्ड ऑन रकू करना। तो व्यूबर्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके आल पे लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। ये आप देख सकते हैं जी, एक्स्ट्रा प्रेयर नवाफिल, लॉन्ग प्रेयर तरावियां, अवर ऑफर अदा करना, परफॉर्म अदा करना। व्यूबर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वोकैबुलरी के अल्फाज आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं जी, ऑब्जर्व फास्ट रोज़ा रखना, ब्रेकफास्ट अफतारी, प्री डाउन मील सहरी, और इसके अलावा जी कॉल फॉर प्रेयर अजान के लिए जाना, यानी अजान की मुलाकात। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके आल पे प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।